29 जुलाई पद्मिनी एकादशी को कर लेना सिर्फ एक लोटे जल का ये उपाय, धन की वर्षा होगी। इस बार अधिक मास दोस्तों पुरुषोत्तम मास सावन मास के शुक्ल पक्ष की यानी कि अधिक मास की सबसे पहली एकादशी पद्मिनी एकादशी का व्रत आप सभी को रखना ही चाहिए। इस बार एकादशी का शुभ दिन 29 जुलाई 2023 को है। पद्मिनी एकादशी का शुभ आरंभ 28 जुलाई 2023 से दोपहर 2:02 से हो जाएगा, जो कि 29 जुलाई 2023 शनिवार को सुबह 1:06 तक ये तिथि समाप्त हो जाएगी। इस बार एकादशी 29 जुलाई 2023 शनिवार के दिन ही रहेगी। इसी दिन सभी भक्तों को एकादशी का व्रत करना है और एकादशी का पारण 30 जुलाई सुबह 6:08 से लेकर 8:06 तक ही रहेगा। आप इसी बीच अपनी एकादशी के व्रत का पारण कर सकते हैं। हमारे धर्म ग्रंथों में सभी व्रतों में इसे सबसे बड़ा व्रत माना जाता है और उससे भी अधिक मास पुरुषोत्तम मास की जो एकादशी होती है वो अपने आप में ही सबसे बड़ी एकादशी होती है, क्योंकि प्रत्येक 3 वर्ष में पुरुषोत्तम मास का आगमन होता है और ये महीना भगवान विष्णु का माना जाता है और इस महीने जो एकादशी आती है वो बहुत ही दुर्लभ एकादशी होती है। यदि आप हर एकादशी का व्रत करते हैं तो आपको इस व्रत को भी पूरे विधि विधान से पूरा करना चाहिए और यदि आप व्रत नहीं कर रहे हैं तो भी इस दिन नियम से पूजा पाठ जरूर करें भूल चूक किए बिना, क्योंकि दोस्तों एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करना, कथा का श्रवण करना बहुत ही उत्तम माना जाता है। इस दिन तुलसी पूजन करना, ब्राह्मणों को भोज करवाना, दान पुण्य देना, ये सब कुछ एक विशेष महत्व होता है। गौ माता की सेवा करना बहुत फलदायी माना जाता है। यूं तो प्रत्येक साल 24 एकादशियां आती हैं, लेकिन जिस वर्ष अधिक मास या पुरुषोत्तम मास आ जाता है उस वर्ष 2 एकादशी बढ़ जाती हैं, यानी कि कुल 26 एकादशी आ जाती हैं। तो इस बार अधिक मास है, पुरुषोत्तम मास है, सावन का महीना है और 2 एकादशी आ रही हैं। तो सबसे पहले जो एकादशी है वो है 29 जुलाई 2023 को पद्मिनी एकादशी। यह अधिक मास और पुरुषोत्तम मास की सबसे पहली एकादशी है। तो आप सभी विधि विधान से व्रत करें, पूजा करें और उसका समय पर पारण करें। जो व्रतधारी एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें दशमी तिथि से लेकर द्वादशी तिथि तक कुछ विशेष नियमों का पालन करना चाहिए। इस बार एकादशी शनिवार के दिन पड़ रही है और शनिवार के दिन विशेष रूप से पीपल की पूजा करनी चाहिए। पीपल के पेड़ की पूजा अर्चना करने से आप पर देवी लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है, क्योंकि इस दिन माता लक्ष्मी का इस पेड़ पर आगमन होता है। वो अपनी बहन आलक्ष्मी से मिलने के लिए सूर्योदय के समय आती हैं। इसलिए अधिक मास की इस एकादशी को यदि आप बस एक छोटा सा सरल उपाय कर लेते हैं तो आपके घर में रुपया पैसों की बाढ़ आ जाएगी। आपके घर में अदृश्य लक्ष्मी जी की प्राप्ति होगी, सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी, धन का आगमन होगा, कुबेर देव की कृपा वर्षा की तरह आप पर बरस जाएगी। तो आपको करना सिर्फ इतना है वो जान लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, रोज ऐसी जानकारी पाना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों रिश्तेदारों का भी कल्याण हो सके तो वीडियो को लाइक करके उन तक भी इस वीडियो के लिंक को शेयर जरूर करें। दोस्तों इस अधिक मास की पद्मिनी एकादशी को आप सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके साफ वस्त्रों को धारण करें, सूर्य देव को जल दें, पूजा अर्चना कर मस्तक पर तिलक लगाएं और तिलक लगाने के बाद एकादशी व्रत का संकल्प लें। आपको जो आज हम एक विशेष उपाय बताने जा रहे हैं इसे आप पीपल के पेड़, चाहे बड़ा हो छोटा हो, वहां भी जाकर कर सकते हैं। आपको करना सिर्फ इतना है कि एकादशी के दिन एक तांबे के लोटे में शुद्ध जल भर लेना है और उसमें थोड़ी सी मिश्री डाल दें। यदि आपके पास मिश्री नहीं है तो आप शक्कर भी मिला सकते हैं और फिर उस लोटे के जल और शुद्ध घी का दीपक लेकर आपको पीपल के पेड़ के पास चले जाना है। वहां जा सबसे पहले पीपल के पेड़ में मीठा जल अर्पित कर देना है जो आप उस लोटे में लाए हैं। फिर उस पीपल के पेड़ से अपने दोनों कंधों को, दोनों भुजाओं को पीपल के पेड़ से स्पर्श कराना है। आप जो शुद्ध घी का आप दीपक लाए हैं उसे वहां पर जलाकर हाथ जोड़ने और माता लक्ष्मी से जो भी आपके मन में कामना है, इच्छा है, उसे पूर्ण करने की कामना करें, प्रार्थना करें, क्योंकि अधिक मास है, पुरुषोत्तम मास है, माता लक्ष्मी भगवान विष्णु स्वयं पृथ्वी पर विराजमान होते हैं तो वो आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करेंगे। लक्ष्मी नारायण दोनों की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी। दोस्तों अधिक मास में किया गया कोई भी व्रत पूजा पाठ बहुत फलदायी होता है, आपको इससे करोड़ों गुना फल की प्राप्ति होती है, पुण्य फल मिलता है। इसलिए इस मास में भगवान की सच्चे मन से आराधना जरूर करनी चाहिए। तो पीपल पेड़ की पूजा करने के बाद आप वापस घर आ जाएं। यदि आप
इस उपाय को पद्मिनी काशी के दिन कर लेते हैं तो आपकी सभी तरह की आर्थिक समस्याएं तो बिल्कुल दूर हो जाएगी। व्यापार में जो घाटा आ रहा है ठीक हो जाएगा। यदि आप पर किसी तरह का कोई कर्ज है तो उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। धन वैभव सुख समृद्धि सभी की प्राप्ति होगी। तो इस एकादशी ये उपाय जरूर करें। हमारे हिंदू ग्रंथों में पुराणों में एकादशी व्रत का बहुत महत्व होता है। जो लोग इस व्रत को करते हैं उन्हें दशमी तिथि के दिन से ही शुद्ध सात्विक भोजन करना होता है। इस दिन चावल मांस मदिरा लहसुन प्याज कटहल मसूर की दाल इत्यादि खाना वर्जित होता है। दशमी के दिन आप किसी दूसरे के घर का भोजन ना करें और यदि किसी कारणवश आप वो कर रहे हैं तो उन्हें दान पुण्य जरूर करें। एकादशी व्रत के दिन आप सुबह जल्दी उठ स्नान आदि करके व्रत का संकल्प लें। व्रत के समय आप अन्न का सेवन नहीं कर सकते, केवल आपको फलाहार पर ही रहना है। पुरुषोत्तम मास में गाय के दूध से बनी वस्तुओं का सेवन उत्तम माना जाता है, लेकिन क्योंकि ये सावन मास चल रहा है तो आपको गाय के दूध का सेवन नहीं करना है। आप दूध से बनी अन्य चीजें मिठाइयों का आप उपयोग कर सकते हैं। शुद्ध सात्विक सभी प्रकार के फलों का सेवन करें। सूखा मावा यानी ड्राई फ्रूट्स को आप खा सकते हैं। अन्य फल का भी सेवन आप कर सकते हैं। ध्यान रहे एकादशी के दिन आपको भूल कर भी तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना है, ना ही उसमें जल देना है। इस दिन देवी तुलसी का निर्जला व्रत होता है। वहीं इस दिन क्रोध भी नहीं करना चाहिए, ना ही किसी को अपशब्द बोलना चाहिए, ना किसी का अपमान करना चाहिए। इस दिन आपको स्वयं के क्रोध पर शब्दों पर नियंत्रण रखना चाहिए। वहीं आपको इस दिन अपने मन में किसी तरह के नकारात्मक या फिर बुरे विचार नहीं लाने चाहिए। कलेश या वाद विवाद करने से बचना चाहिए। इस दिन किसी को भी बाल मूछ दाढ़ी नाखून इत्यादि नहीं कटवाना चाहिए। पत्नी और पति को आपस में वाद विवाद भी नहीं करना चाहिए, ना ही कोई संबंध बनाना चाहिए। इस दिन दोनों को पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन आपको किसी तरह के लोभ लालच में नहीं पड़ना चाहिए, यह आपके लिए नुकसानदायक होता है। वहीं आपको झूठ भी नहीं बोलना चाहिए, वरना आपको पूजा का फल नहीं मिलता है। दोस्तों, पद्मिनी एकादशी व्रत का फल तभी मिलता है जब जातक के मन में क्रोध नकारात्मक विचार ना लेकर आए, बल्कि साफ निश्चल मन से भगवान विष्णु की उपासना करें, तभी आपको पूजा का फल मिलता है। तो एकादशी के दिन इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। आपके द्वारा किए गए इन नियमों के पालन से आप जो भी व्रत कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, उसका पूर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं। आशा करते हैं आपकी हर इच्छा हर मनोकामना भगवान विष्णु भगवान शिव जरूर पूरी करें। जय माता लक्ष्मी, राधे राधे।